राजधानी जयपुर के वैशाली नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए अपने जाल में फंसाकर लोगों को लूटने वाली शातिर महिला त्रिषा राठौड़ को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि 22 अगस्त को एक परिवादी ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कराया था और रिपोर्ट में बताया कि महिला ने कार में लिफ्ट ली और फिर छेड़छाड़ का झूठा मामला दर्ज कराने की धमकी देकर पैसे ऐंठ लिए। मामले की जांच में सामने आया कि मध्य प्रदेश के उज्जैन की निवासी त्रिषा राठौड़ अलग अलग नाम बदलकर वैशाली नगर इलाके और चित्रकूट इलाके में कई जगह किराए का कमरा लेकर रहती है। महिला के खिलाफ कई पुलिस थानों में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ में जुट गई है। कल वैशाली थाना पुलिस ने आरोपी महिला को अरेस्ट किया है, जिसमें किसी परिवादी ने ये रिपोर्ट पेश की थी कि इस महिला ने बातों के झांसे में लेकर फिर इसके दबाव बना के और झूठे मुकदमे की धमकी का हवाला देकर इससे पैसे ऐंठना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान आरंभ किया। अनुसंधान प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी महिला को अरेस्ट किया। जब मुकदमों की लिस्ट और इस परिवादी द्वारा इस आरोपी महिला द्वारा किए गए मुकदमों की लिस्ट को खंगाला गया तो ऐसे लगभग दर्जन भर मुकदमे आरोपी महिला ने अलग अलग लोगों पे कराए। ये तथ्य भी संज्ञान में आया कि गरिमा हेल्पलाइन पे कॉल करके फिर उन व्यक्तियों पे दबाव बनाकर पैसे की लगातार वसूली की जा रही थी। ऐसा एक अन्य तथ्य भी प्रकाश में आया कि दिल्ली में अभी बुराड़ी में किसी व्यक्ति की ऐसी वहां की हेल्पलाइन पर शिकायत करके फिर उस व्यक्ति से भी पैसे ऐंठे गए हैं, जिसके प्रमाण पुलिस को अनुसंधान।